दोस्तों, हाल ही में मैंने सुनोद नाम की एक फिलिपिनो हॉरर मूवी देखी जिसे कार्लो लेदेस्मा ने डायरेक्ट किया है। सुनोद को IMDb पे मिले हैं 6 stars out of 10 और रॉटन टोमेटोज वगैरह पे इसकी रेटिंग्स अवेलेबल ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम सुनोद मूवी की कहानी को जानेंगे और इसके साथ आपको डिस्क्रिप्शन में ही इस फिल्म को देखने की यूट्यूब लिंक मिल जाएगी। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपको दो इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूंगा। पहली बात ये कि 5th Jan से हमारे चैनल पे एक शेड्यूल्ड वे में टाइमली वीडियोस आ रही है और ये शेड्यूल आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। कभी कभी चीजें इधर उधर हो सकती है बट 90% ऑफ द टाइम हम यही शेड्यूल फॉलो करेंगे, जहां हफ्ते में आपको 2 movie explanation और 2 different type की वीडियोस मिलेंगी, लाइक लेट नाइट शो, पॉडकास्ट वर्सेस सीरीज एक्सेट्रा। तो आप इस टाइमिंग को नोट कर लीजिए क्योंकि कई बार लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाती है और ऐसे में आपको एग्जैक्टली पता होगा कि वीडियो कब आने वाली है। नोटिफिकेशन से दूसरा बात याद आया और वो ये कि आप में से तकरीबन 46% व्यूअर्स ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक लड़की की डेड बॉडी को एक ग्रेव में देखते हैं जिसके सामने एक लेडी खड़ी थी। तभी पीछे से कुछ हुडेड लोग आकर उस ग्रेव को मिट्टी से कवर करने लगते हैं, लेकिन ग्रेव के पास खड़ी वो लेडी नोटिस करती है कि उस डेड लड़की की आंखें खुल रही है, यानी कि वो लड़की मरी नहीं थी। अब वो लेडी उस लड़की की हेल्प करने की कोशिश करती है लेकिन उसके पैर जमीन में काइंड ऑफ धस गए थे, जिस वजह से वो मूव नहीं कर पा रही थी। वो हुडेड लोग उस ग्रेव में जिंदा लड़की पे मिट्टी डालते जाते हैं और वो लेडी कुछ नहीं कर पाती। देन सडनली सीन शिफ्ट होता है जहां हम एक हॉस्पिटल रूम को देखते हैं। इस रूम में ओलिविया नामक औरत की आंख खुलती है जिसने अभी अभी ये बुरा सपना देखा था। सपने में वो लेडी ओलिविया खुद थी और जो लड़की दफन हो रही थी वो ओलिविया की बेटी एनेल थी। ओलिविया सपने से परेशान हो गई थी और वो एनेल को चेक करती है जो कि वहीं बेड पर सो रही थी। यहाँ हम जान पाते हैं कि अनैल हॉस्पिटल में एडमिट थी क्योंकि उसे एक सीरियस हार्ट डिजीज थी, जिसकी वजह से ओलिविया, जो कि एक सिंगल पेरेंट थी, उसे काफी खर्चे उठाने पड़ रहे थे। तो कुछ देर बाद डॉक्टर ओलिविया रूम के बाहर मिलते हैं और वो बताते हैं कि अनैल की सिचुएशन सीरियस है और इसीलिए उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करना सही नहीं रहेगा। ओलिविया की फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए डॉक्टर से बोलते हैं कि वो अनैल के लिए एक कम दाम वाला वार्ड अरेंज करवा देंगे, लेकिन ओलिविया मना कर देती है क्योंकि वो अनैल के ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं आने देना चाहती थी। खैर, नेक्स्ट सीन में हम ओलिविया को LGO नाम के एक कॉल सेंटर में जॉब इंटरव्यू के लिए जाते देखते हैं और ये जॉब मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन इंटरव्यूअर ओलिविया की फाइनेंशियल कंडीशंस और गुड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को नजर में रखते हुए उसे जॉब दे देता है। ओलिविया को नाइट शिफ्ट मिली थी इसलिए वो डे टाइम में अनैल के साथ रहती है और रात में वो अनैल को सुलाकर अपनी जॉब के लिए निकल जाती है। यहाँ कॉल सेंटर की बिल्डिंग में ओलिविया काउंटर पर जाती है जहाँ काउंटर पर बैठी लेडी उसे बताती है कि कॉल सेंटर का काम बिल्डिंग के 4th floor पर चालू है। वो लेडी ओलिविया से उसका नाम पूछती है और उसे फ्लोर पास निकाल कर देती है। इस दौरान ओलिविया उस काउंटर के पीछे वॉल पर लगी हुई पिक्चर्स देखती है जो कि किसी डॉक्टर और किसी हॉस्पिटल ग्रुप की थी। इनमें से एक पिक्चर उस लेडी की भी थी बट एज ए नर्स। खैर, ओलिविया लिफ्ट में चढ़ती है जहां ये लिफ्ट 3rd floor पर खुलती है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन लग रहा था। यहां ओलिविया को किसी पर्सन की परछाई दिखती है लेकिन इससे पहले वो कुछ साफ देख पाती लिफ्ट 4th floor की तरफ चल देता है। 4th floor पे कॉल सेंटर था जहां ट्रेनिंग के लिए आए हुए ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स यंग थे एंड ओलिविया इनके बीच एक मिडिल एज्ड वुमेन थी जिसकी वजह से उसे थोड़ी हेजिटेशन फील हो रही थी। ट्रेनिंग सेशन में हम लैंस से मिलते हैं जो कि ट्रेनिंग में आए हुए कैंडिडेट्स का टीम मैनेजर था। ओलिविया यहां मिमी नाम के एक लड़की से मिलती है जो कि अपने आप को प्रोफेशनल ट्रेनी कहा करती थी क्योंकि वो किसी भी BPO में ट्रेनिंग पीरियड से ज्यादा समय के लिए नहीं रुकती थी और हर BPO में ट्रेनिंग ओवर होने के बाद ट्रेनिंग अलाउंस मिलते ही वो उस BPO को छोड़कर नेक्स्ट BPO में अप्लाई कर देती थी। एनीवेज, ट्रेनिंग सेशन में लैंस कैंडिडेट्स को LGO की बिल्डिंग की हिस्ट्री बताता है जहां हमें पता चलता है कि ओल्ड टाइम्स में बिल्डिंग को लिबोरो हाउस कहा जाता था जहां World War II के सर्वाइवर्स रहा करते थे। फिर 70s में जेमी लिबोरो नामक डॉक्टर ने इस बिल्डिंग को एक बेहतरीन हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया था। करेंटली इस बिल्डिंग को LGO ने खरीद लिया है जहां 2nd और 3rd floor पे अब भी रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो प्रेजेंटेशन के बाद ओलिविया का काम शुरू होता है और अपने फर्स्ट डे पर ही ओलिविया को कंपनी की CEO मिस कैरन का सामना करना पड़ता है जो कि एक स्ट्रिक्ट लेडी थी।
ओलिविया उनके सामने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती और हॉस्पिटल में वापस आकर सोते वक्त ओलिविया को फिर से वही नाइटमेयर आती है। खैर, नेक्स्ट वर्कडे पे हम वियस ओलिविया और मिमी को कैफेटेरिया में साथ लंच करते हुए देखते हैं, जहां इन दोनों की बातों के दौरान हमें पता चलता है कि ओलिविया शादीशुदा नहीं है। ओलिविया एक आदमी के साथ काफी समय तक रिलेशनशिप में रही थी, जो कि एक दिन अनैल और उसे छोड़कर चला गया। उस दिन से ओलिविया अनैल के साथ रहती है और अनैल ही उसके लिए सब कुछ है। एनीवेज, अगले दिन कॉल सेंटर में कॉल्स हैंडल करते वक्त ओलिविया के साथ कुछ स्ट्रेंज होता है। एक कस्टमर से बात करते वक्त ओलिविया के हेडफोन्स में कुछ अजीब साउंड्स आने लगती है और उसे ऐसा फील होता है कि अचानक उसके हेडफोन में एक छोटी बच्ची की वॉइस आ रही है। तभी अचानक उस पूरे फ्लोर की लाइट चली जाती है और इस दौरान लैंस ओलिविया से बातें करने आता है। लैंस ओलिविया को बताता है कि उसे एचआर से उसकी डॉटर के बारे में पता चला और वो उसकी हेल्प करेगा। लैंस के जाते ही हम ओलिविया से थोड़ी दूर एक बच्ची की परछाई देखते हैं, जो कि लाइट आते ही गायब हो जाती है। तो इसके बाद हम व्यूअर्स मिमी को देख पाते हैं, जो कि अपने कस्टमर को कॉल पे हैंडल नहीं कर पा रही थी और ओलिविया उसकी हेल्प करते हुए कस्टमर को हैंडल करती है। ओलिविया के स्किल से इंप्रेस होकर कंपनी उसे परमानेंट पोस्ट देने का डिसीजन लेती है और ओलिविया को ये गुड न्यूज लैंस देता है। उस रात ओलिविया लेट नाइट तक ऑफिस का काम करके घर जाने से पहले वॉशरूम यूज करती है, जहां उसे वॉशरूम के बाहर एक छोटी लड़की मिलती है जिसका नाम नरीसा था। ओलिविया को लगता है कि वो लड़की खो गई है और वो उसे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है। बिल्डिंग में लाइट गई हुई थी और वो उसे बिल्डिंग के बाहर ले जाती है, लेकिन तभी रोड से आते हुए क्राउड में नरीसा कहीं गायब हो जाती है और ओलिविया को ये बात बहुत स्ट्रेंज लगती है। ऑफिस के बाद ओलिविया अपनी बेटी अनैल के पास जाती है और ओलिविया के सोने के बाद अनैल अचानक से उठकर बेड पे चुपचाप बैठ जाती है। इस सीन को देखकर हम व्यूअर्स को ऐसा महसूस होता है मानो अनैल पजेस्ड हो गई है। खैर, नेक्स्ट रात को ऑफिस में एक बार फिर ओलिविया को क्लाइंट से बात करते वक्त किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे ओलिविया बहुत डर जाती है। एंड विद इन सेकेंड्स ओलिविया को हॉस्पिटल से डॉक्टर की कॉल आती है और वो उसे बताते हैं कि अनैल को अटैक्स आ रहे हैं। ओलिविया हॉस्पिटल जाने के लिए लिफ्ट लेकर नीचे जा रही होती है, पर तभी उसकी लिफ्ट फिर से थर्ड फ्लोर पर रुक जाती है और यहाँ ओलिविया को एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है यू डाई, जिसे सुनकर वो काफी डर जाती है। ओलिविया के हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर उसे बताते हैं कि उन अटैक्स के बाद अनैल की हार्ट प्रॉब्लम मिराकुलसली ठीक हो गई है, जिस वजह से अनैल अब बिल्कुल हेल्दी है और ओलिविया अनैल को घर ले जा सकती है। ये सुनकर ओलिविया बहुत खुश हो जाती है, लेकिन हम व्यूअर समझ रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। नाउ सीन शिफ्ट होकर ओलिविया के घर का आता है, जहां ओलिविया अनैल को बाथरूम में खड़ा देखती है और अनैल यहाँ ऐसे बिहेव कर रही थी एज इफ वो अपने आप को पहली बार देख रही हो। ये सब देखकर ओलिविया काफी स्ट्रेंज फील करती है और तभी हॉस्पिटल से उसे अनैल के ट्रीटमेंट का बिल आता है, जो कि बहुत ज्यादा था और इस बिल को पे करने का टाइम उतना ही कम। इसलिए नेक्स्ट डे ओलिविया अपनी कंपनी से कुछ एडवांस सैलरी के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर कंपनी उसे एडवांस देने से मना कर देती है। टेंशन में ओलिविया रेस्ट रूम में सो जाती है और उसे वही नाइटमेयर दोबारा आता है और इस बार वो सपने में अपने ऑफिस के बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर को भी देखती है, जहां ओलिविया किसी लाल धागे से बंधी हुई होती है। ओलिविया की आंखें खुलती है और वो लैंस को अपने सामने देखती है, जो ओलिविया को बताता है कि वो उसकी हेल्प करने आया है। लैंस ओलिविया को कुछ पैसे देने आया था, जिससे ओलिविया हॉस्पिटल का बिल पे कर सके, लेकिन जैसे ही ओलिविया वो पैसे उससे लेती है, लैंस उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। इस सिचुएशन में ओलिविया लैंस से खुद को डिफेंड करते हुए वहां से भाग जाती है। तो अगली रात अनैल ओलिविया के पास रोते रोते मदद मांगने आती है और उसे देखकर ओलिविया को ऐसा लग रहा था एज इफ वो अनैल नहीं नरीसा है, और जब ओलिविया उसे छूती है तो अनैल चिल्लाकर वहां से भाग जाती है। ओलिविया तुरंत उठकर अनैल के बेडरूम में जाती है, लेकिन वहां अनैल बड़े आराम से सो रही थी। खैर, आगे के कुछ सीन्स में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि लैंस कंपनी की दूसरी लड़कियों को भी फंसाने के चक्कर में था और इससे हम समझ पाते हैं कि उसकी नीयत खराब थी। एक रात जब लैंस ऑफिस आता है तो लिफ्ट उसे फोर्थ फ्लोर के बजाय बेसमेंट ले जाती है। यहाँ लैंस एक परछाई का पीछा करता है और उसे वहां अनैल दिखती है, जो कि पजेस थी। पजेस्ड अनैल लैंस पर अटैक करके उसे मार देती है और लैंस की मौत की वजह से एलजीओ कंपनी कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता है। ओलिविया को भी ये न्यूज पता चलता है और घर के टीवी में लैंस की मौत की न्यूज देखकर अनैल मुस्कुराते हुए अपने टेडी का गला दबाने लगती है। ये देखकर ओलिविया को बहुत अजीब लगता है और जब ओलिविया अनैल को उसका गिटार बजाने को देती है तो अनैल गिटार बजा ही नहीं पाती। इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पा रहे होते हैं कि अनैल को शायद नरीसा ने पजेस कर लिया है और तभी अचानक पजेस्ड अनैल ओलिविया के सामने रोने लगती है। पजेस्ड अनैल कहती है कि नरीसा को उसकी मॉम से मिलना है, जिस पर ओलिविया कहती है कि अगर वो नरीसा को उसकी मॉम से मिला दे तो क्या वो अनैल की बॉडी से निकल जाएगी।
स्पिनरिसा उसे हाँ प्रॉमिस करती है। ओलिविया फौरन ही मिमी और पजेस डेनियल को साथ लेकर एक स्लम में जाती है जहाँ नरिसा की मॉम परला रहती हैं। पजेस डेनियल अपनी मॉम परला से मिलती है और वो दोनों हक करते हैं। यहाँ एज ए व्यूअर हम देखते हैं कि नरिसा अपने मॉम के कान में कहती है शी इज एन एनिमी, यानी कि ये हमारी दुश्मन है। इसके बाद परला ओलिविया को बताती है कि वो और उसकी बेटी एलजीओ कंपनी के बिल्डिंग में रहते थे और तब वो बिल्डिंग हॉस्पिटल हुआ करता था जहाँ परला एक मेंटेनेंस स्टाफ थी। एक दिन नरिसा की तबीयत खराब हो गई और हॉस्पिटल ओनर परला को वहां से निकाल कर नरिसा को वहीं कैद करके उसे हर्ट किया। परला का कहना था कि अगर वो सब मिलकर नरिसा की बॉडी खोज कर उसे दफना देंगे तो नरिसा की आत्मा मुक्त हो जाएगी। यहाँ से सीन एलजीओ कंपनी की सीईओ कैरन पे फोकस करता है जो कि फिलहाल अपने डैड के घर पे थी। कैरन के डैड और कोई नहीं बल्कि एलजीओ कंपनी वाली बिल्डिंग के ओनर थे और उन्होंने ही सालों पहले उस बिल्डिंग में हॉस्पिटल स्टार्ट किया था। वो बताते हैं कि हॉस्पिटल में परला नाम की लेडी एज ए मेंटेनेंस स्टाफ काम करती थी और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम नरिसा था। घर ना होने के कारण वो लोग उसी हॉस्पिटल के बेसमेंट में रहते थे, लेकिन नरिसा का बिहेवियर कुछ अजीब था। धीरे धीरे उस हॉस्पिटल के काफी वर्कर्स की तबीयत खराब होने लगी और इस डर से काफी लोगों ने वो हॉस्पिटल छोड़ दिया। इन घटनाओं के बीच केरन की मॉम की फ्रेंडशिप परला और नरिसा से हो गई थी जो कि उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से सही नहीं था। एक दिन केरन के डैड नरिसा को केरन की मॉम पे अटैक करते हुए देख लेते हैं और नरिसा केरन की मॉम को मार डालती है। गुस्से में केरन के डैड ने नरिसा को मार डाला था और उन्होंने उस बिल्डिंग को भी जला दिया था। जलने की वजह से उस बिल्डिंग की हालत इतनी खराब थी और इन बातों को सुनकर केरन अजीब फील करती है। वो बिल्डिंग के लाइव सीसीटीवी कैमरा फुटेज को देखती है जहां उसे ओलिविया और बाकी के लोग दिखते हैं जो कि नरिसा की बॉडी ढूंढने आए थे। वो सभी एक बंद दरवाजे के आगे पहुंचते हैं जो बहुत सारी लकड़ियों से ब्लॉक्ड था और ओलिविया उस दरवाजे को जबरदस्ती खोल देती है। वो सभी उस रूम में जाते हैं लेकिन उन्हें वहां कोई बॉडी नहीं मिलती। इनफैक्ट ये वही रूम होता है जहां नरिसा ने केरन की मॉम को मारा था। तभी अचानक परला काइंड ऑफ पजेस्ड होने लगती है और वो मिमी को मार डालती है। फिर परला ओलिविया पे हमला करके उसे बेहोश कर देती है। थोड़ी देर बाद जब ओलिविया को होश आता है तो वो खुद को लाल धागे से बंधा हुआ पाती है, ठीक वैसे ही जैसा उसने अपने सपने में देखा था। इसी बीच परला के ओलिविया के पेट में एक मोटी सी सुई चुभा देती है और वो कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने लग जाती है ताकि नरिसा परला के थ्रू इस दुनिया में वापस आ सके। यहाँ ओलिविया अनकॉन्शियस हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक अजीब सी जगह पर देखती है जहाँ उसका पूरा शरीर लाल धागे से बंधा होता है। यहाँ नरिसा ओलिविया पे अटैक करके उसे मारने ही वाली होती है कि एलजीओ वाली बिल्डिंग में केरन आकर परला पे अटैक कर देती है जिससे वो मोटी सुई ओलिविया के पेट से निकल जाता है। ऐसा होते ही उस अजीब जगह पे नरिसा ओलिविया को छोड़ देती है और अब पजेस्ड एनेल को गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो ओलिविया की बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाई। एनेल वहां से भाग जाती है और केरन परला के साथ लड़ना शुरू कर देती है। थोड़ी दूर भागने के बाद पजेस्ड एनेल खुद को हर्ट करने लग जाती है और वो ओलिविया पे भी हमला करती है। खुद को बचाने के लिए ओलिविया को एनेल का गला दबाना पड़ता है। और दोस्तों ये सीन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको याद हो तो मूवी के स्टार्टिंग से ओलिविया अपने नाइटमेयर्स में अपनी बेटी को दफना रही होती है और आज उसे सचमुच अपनी बेटी का गला दबाना पड़ रहा था। बट देन ओलिविया रियलाइज करती है कि वो अपने हाथों से एनेल को नहीं मार सकती, इसीलिए वो फौरन ही एनेल को सीपीआर देने लगती है जिससे एनेल को होश आ जाता है। इस नियर डेथ को एक्सपीरियंस करने की वजह से नरिसा ने एनेल की बॉडी को छोड़ दिया था और केरन ने भी शायद परला को ओवरपावर कर लिया था। केरन फौरन ही एनेल को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है और वहां हम व्यूअर्स को पता चलता है कि एनेल की हर्ट वाली प्रॉब्लम फिर से वापस आ गई है क्योंकि जब तक नरिसा की सोल एनेल के अंदर थी तब तक ही उसकी हर्ट वाली प्रॉब्लम ठीक थी, लेकिन अब क्योंकि नरिसा एनेल की बॉडी को छोड़ चुकी है तो उसकी डिजीज भी वापस आ गई है। इसके बाद केरन ओलिविया को उससे और पुलिस से कोऑपरेट करने को कहती है क्योंकि उन्होंने बिना परमिशन उसकी बिल्डिंग में एंटर किया था। देन हम केरन और ओलिविया को लिफ्ट में जाते देखते हैं जहां ओलिविया के पीछे खड़ी केरन पजेस दिख रही थी। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सुनोद मूवी की स्टोरी और अब हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि परला और नरिसा काफी पुअर थे और नरिसा को कोई सीरियस डिजीज थी। अब ऐसे में अपनी बेटी को सही करने के लिए परला ने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया था और इसीलिए वो किसी हेल्दी इंसान की बलि दे रही थी। उसने केरन की मदर से दोस्ती की और मौका पाकर वो रिचुअल परफॉर्म कर रही थी, लेकिन वहां केरन के फादर ने आकर उसे रोक दिया था। नाउ जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लैक मैजिक में शामिल होने वाला इंसान किसी तरह की डार्क शक्तियों के काबू में आ जाता है।
ठीक वैसा ही परला और उसकी बेटी के साथ हुआ। नरिसा की सोल इविल हो गई और जाने अनजाने में ओलिविया उसे वहां से बाहर ले आई। अब आप यहां पूछ सकते हैं कि ओलिविया को ही नरिसा का घोस्ट क्यों दिखा, तो इसका रीजन ये है कि इविल एंटिटीज अक्सर लाचार या वल्नरेबल लोगों को हॉन्ट करते हैं और ओलिविया मूवी के शुरुआत से ही काफी डिप्रेस थी। फाइनली इतने साल बाद परला और नरिसा को अपनी होस्ट मिलती है, इसलिए वो ओलिविया को झूठ बोलकर यहाँ ले आते हैं ताकि वो दोनों रिचुअल परफॉर्म कर सके, बट यहाँ कैरन आ जाती है। मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि परला फिर से वापस आ गई है और अब ओलिविया और उसकी डॉटर की सिचुएशन ऑलमोस्ट परला और नरिसा की सिचुएशन की जैसी हो गई है। परला और नरिसा ने रिचुअल के दौरान सुनोद नाम के इविल को इनवाइट कर लिया था जो कि उनके थ्रू इस वर्ल्ड में आना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, तो वो अब ओलिविया और उसकी बेटी को पजेस करके उनके थ्रू वही सब करवाएगा जो वो परला और नरिसा के थ्रू करवा रहा था ताकि रिचुअल कंप्लीट हो। मूवी में वो रेड थ्रेड शायद उम्बिलिकल कॉर्ड का सिंबल था जो मेरे हिसाब से सुनोद के पृथ्वी पे जन्म लेने को डिपिक्ट कर रहा था। अब क्योंकि इस फिल्म की एंडिंग एकदम ओपन है तो हमें यहाँ इस फिल्म की एक सीक्वल भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी सुनोद मूवी की एक्सप्लेनेशन और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को शेयर कीजिए और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।